क्या इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए? संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसका हिंदी मतलब हुआ, इंडिया यानी भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ होगा। यहाँ रहने वाले नागरिकों के बीच कई देशी भाषाओं में आज भी भारत को भारत ही कहा जाता है। इस देश के साथ अनादि काल से कई अन्य नाम भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें वीडियो में आगे जानेंगे। इन नामों के साथ एक अनकहा इतिहास जुड़ा हुआ है। जब से इस देश का नाम इंडिया ज्यादा यूज होने लगा, तब से यहाँ रहने वाले लोगों में भारी असंतोष पैदा हो गया। कुछ विद्वानों का कहना है कि अंग्रेजों द्वारा हमारे देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया गया, जो गुलामी का संकेत है। जबकि कुछ का कहना है कि इंडिया सिर्फ एक अंग्रेजी नाम है, क्योंकि कई लोग विदेशों में भारत का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वो इंडिया कहते हैं, और इस देश में कई लोगों के लिए इस देश का नाम भारत ही है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। इस शब्द के साथ अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। हालांकि सबसे अधिक मानी जाने वाली मान्यता महाभारत के अनुसार है। महाभारत के अनुसार भरत चक्रवर्ती नाम के राजा के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया था। भरत नाम का एक प्रमुख राजा थे, जिनको भारतवर्ष के गठन का श्रेय जाता है, और पांडव और कौरवों का पूर्वज थे। उनके पिता राजा दुष्यंत थे, जिन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया था, और उनके माता शकुंतला थी। भरत एक बहादुर शासक और विजेता थे। उन्होंने भारत के सभी हिस्सों पर विजय प्राप्त की और उन्हें एक राष्ट्र में मिला दिया, जिसका नाम उनके नाम पर भारतवर्ष रखा गया। यह विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। दूसरा कहानी है दशराज्ञ युद्ध, मतलब दस राजाओं का युद्ध। इसके बारे में ऋग्वेद के सातवां मंडला में लिखा हुआ है। यह युद्ध भारत कबीला और बाकी कबीलों के समूह के बीच हुआ, जिनमें भारत कबीला जीत गया। इसके बाद यह भारत कबीला पूरे उत्तरी भारत को जीत लिया, जिससे इस कबीला के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। उत्तरम यात समुद्रशय हिमाद्रेशो दक्षिणम वर्ष तद भारतम भारती यात्रा संताति। यह श्लोक बताता है कि जो क्षेत्र या देश समुद्र के उत्तर में और बर्फीली पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है, उसे भारतम कहा जाता है। यह भी विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों, भारत शब्द एक संस्कृत शब्द है। सबसे प्राचीन वेद अर्थात ऋग्वेद संहिता में भारत शब्द की उत्पत्ति बताई गई है। भारत शब्द में भा का मतलब लाइट और नॉलेज होता है, रत का मतलब डिवोटेड होता है। तो भारत का अर्थ हुआ अंधकार के विरुद्ध प्रकाश के प्रति समर्पित। वास्तव में भारत आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण था। दोस्तों, अब जानते हैं इंडिया शब्द के उत्पत्ति के बारे में। इंडिया शब्द के साथ हिंदुस्तान शब्द का भी उत्पत्ति जानना जरूरी है। प्राचीन काल में संपूर्ण सिंधु नदी प्रणाली और इसके द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा जाता था, क्योंकि सिंधु की सात सहायक नदियां थी, सात नदियों की भूमि। संस्कृत में सिंधु का अर्थ नदी होता है। सिंधु शब्द न केवल नदी प्रणाली और निकटवर्ती क्षेत्र को दर्शाता था, बल्कि इसकी घाटियों के साथ विकसित हुए संस्कृति को दर्शाने वाला लेबल भी बन गया था। जब फारसी इस क्षेत्र में आए, तब उन्होंने सिंधु को हिंदू कर दिया, क्योंकि उनके भाषा में स को ह बोला जाता था। जानकारी के लिए बता दूं, हिंदू शब्द किसी धर्म के लिए उपयोग नहीं किया जाता था, बल्कि एक भौगोलिक पहचान के लिए उपयोग में लाया जाता था। इस प्रकार दुनिया भर में सरस्वती, सिंधु नदियों और इसकी सांस्कृतिक के आसपास का क्षेत्र हिंदुओं के क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा। इस प्रकार इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदुओं की भूमि है। दोस्तों, लगभग 2500 साल पहले जब यूनानी यानी ग्रीक पहली बार पंजाब के नदी के मैदानों में पहुंचे, तो उन्होंने हिंदू शब्द को इंडोस कर दिया, क्योंकि इनके भाषा में ह यानी एच का ध्वनि साइलेंट होता था। इंडोस बाद में लैटिन भाषा में इंडस में बदल गया, जिस नाम से यह नदी आज भी जानी जाती है। रोमनों ने पूरे भूभाग को इस नदी के नाम पर पुकारना शुरू कर दिया, और इस प्रकार इस क्षेत्र का नाम इंडिया पड़ा, जो सदियों से यूरोपीय लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन यूनानी भारतीयों को इंडोई कहा करते थे, जिसका मतलब होता है सिंधु के लोग। तो दोस्तों, आप इस आधार पर निर्णय कर सकते हैं कि क्या अंग्रेजों ने भारत का नाम इंडिया रखा, या इंडिया शब्द ज्यादा उपयोग में लाने लगा, जिससे विदेशों में प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, भारत के और भी कई सारे नाम हैं। वैसे तो भारत के तीन फेमस नाम के बारे में हम लोग जान लिए। इसके अलावा वैदिक साहित्य में भारत के संबंध में कई नामों का भी उल्लेख किया गया है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच के क्षेत्र को मनुस्मृति में आर्यवत कहा गया है। दक्षिण में विंध्य पर्वत तक ही क्यों? क्योंकि विंध्य पर्वत के दक्षिण के क्षेत्र को दक्कन कहा जाता था। कई वैदिक ग्रंथों में इस देश को जम्मू द्वीप यानी जामुन वृक्षों की भूमि भी कहा गया है। जैन
धर्म के लोगों का मानना है कि भारत को कभी नाभि नाम के राजा के नाम पर नाभि वर्ष कहा जाता था। राजा नाभि प्रथम तीर्थंकर के पिता ऋषभनाथ और महान सम्राट भरत के दादा भी थे। मेलुहा इस भूमि से जुड़ा सबसे प्राचीन नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, इसको प्राचीन मेसोपोटामिया ग्रंथों के अनुसार मेलुहा कहा जाता था। तो दोस्तों, क्या इंडिया शब्द का विरोध पहले नहीं हुआ है? चलिए जानते हैं। 18 नवंबर 1949 को जब B.R. अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 पेश किया गया था, गर्मा गर्म बहस हुई। H.B. कामत ने अनुच्छेद 1 की भाषा का कड़ा विरोध किया था, जो कहता है इंडिया दैट इज भारत। सेठ गोविंद दास ने इंडिया यानी भारत शब्द का विरोध किया और इसके स्थान पर भारत, जिसे विदेशों में इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग करने का सुझाव दिया। बाद में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सभी संशोधनों को मतदान के लिए रखा था, जहां आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत के रूप में बरकरार रहा। फिर से 2005 में बी सुंदरम नाम के एक व्यक्ति, जो IAS के सेनावृत्ति यानी रिटायर्ड सदस्य और साथ ही एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे, इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें उस स्थान पर इंडिया नाम हटाने का आह्वान किया था। 2012 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शांताराम नाइक ने इसी तरह के सुझाव के साथ राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया था। इंडिया एक क्षेत्रीय अवधारणा को दर्शाता है, जबकि भारत भारत के मात्र क्षेत्रों से कहीं अधिक का प्रतीक है। उन्होंने तर्क दिया कि जब हम अपने देश की प्रशंसा करते हैं तो हम कहते हैं भारत माता की जय, न कि इंडिया की जय। फिर से साल 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास कराया था। उन्होंने संविधान में लिखा हुआ इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द का उपयोग करने की मांग की थी, जिसमें देश का प्राथमिक नाम भारत दर्शाया गया था। अगेन नमः यादव नाम के एक व्यवसायी ने जनवरी 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। इस याचिका का उद्देश्य इंडिया नाम हटाकर भारत करना था और तर्क था कि इंडिया नाम ग्रीक शब्द इंडिका से लिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के लिए दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको क्या लगता है, इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए या संविधान में जैसे है वैसे रहने देना चाहिए?